नमस्कार, मैं लेखक और दिग्दर्शक अल्ताफ लाता साहब शेख हूँ। ये जो कर्मयोगी आपा साहब जो फिल्म है, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, ये फिल्म है स्वर्गीय आमदार गणपतराव देशमुख, जो महाराष्ट्र के राजकारण में 11 बार MLA और 2 टाइम कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी बायोपिक है। जैसे कि आज की तारीख में आप देखते हैं कि एक बार नगर सेवक होने के बाद में वो लग्जरियस लाइफ जीता है। ये बंदा ऐसा था कि इन्होंने लग्जरियस लाइफ नहीं जिए, अपने ST बस से सफ़र करते थे और ट्रेन से सफ़र करते थे। और इनका कहना ऐसा था कि जो MLA बना है वो कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बना, तो लोगों की सेवा करने के लिए MLA बना है, ऐसा उनका कहना था। और उन्होंने करीबन 55 साल महाराष्ट्र के राजनीति में 55 साल उन्होंने निकाला। तो ये फिल्म का जो कंसेप्ट लिखने का जो मेरे को योगायोग दिया, जो हमारे जो गुरुजी है चिदानंद स्वामी सर और अमजद खान शेख, ये मेरा पुणे में शूट चल रहा था एक हिंदी मूवी का, लोरी का, तो वहाँ पे वो आए और बोले कि भाई अपने को एक फिल्म करनी है जो बहुत बड़े इंसान की बायोपिक है, तो आपको करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं वो इंसान का नाम जानना चाहता हूँ। वो बोले स्वर्गीय भाई गणपतराव देशमुख, जो 11 बार MLA थे। तो मेरे को अच्छा लगा ये फिल्म, जब कंसेप्ट सुना तो मेरे को बहुत खुशी हो गई, क्योंकि वो बंदे के हाथ से मैंने 7वीं कक्षा में जब पढ़ाई कर रहा था तभी उनके पास से मेरे को अवार्ड मिला था, तो इसीलिए उनकी फिल्म लिखने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग कहानी लगी। जब करीबन 290 से ज्यादा लोगों की मैंने वीडियो बाइट लेके फिल्म की कहानी लिखी। आपको इस फिल्म की अगर बात करें तो सब क्या कहते हैं आर्टिस्ट की, अगर कलाकारों की बात करें, हाँ, कैसे आपके जहन में आया, किस किस कलाकारों को आपने चयन किया है, उनके बारे में अगर थोड़ी ब्रीफ देना चाहें। ये फिल्म जो मेन किरदार है, जो आबा साहब का किरदार जो निभाया है, वो अनिकेत विश्वास राव है, फिर बाद में प्रदीप वेलनकर है, विजय पाटकर सर है, देविका दफ्तरदार है, सुरेश विश्वकर्मा है, अरबाज शेख है, अहमद देशमुख है, निकिता सुखदेव है, ऐसे करीबन 27 कलाकार हिंदी और मराठी के है। और अवधूत गुप्ते सर ने म्यूजिक किया है, और कुणाल गांजा वाले किया वॉइस है, और मनीष राजगिरी की वॉइस है। नमस्कार, मैं अरबाज शेख, इसके पहले आपने सैराट फिल्म में मुझे देखा होगा, और ये फिल्म में मैं आबा साहब जो मेन किरदार है उनके जो पोते हैं बाबा साहब, उनका मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। और 25 अक्टूबर को हमारी फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है, हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में, तो सब लोग जाके देखिए। मैडम, आप नाम जानना चाहेंगे और किस प्रकार का आपका किरदार है इस फिल्म में, और कितने एक्साइटेड हैं आप अपने किरदार को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम निकिता सुखदेव है, और कर्मयोगी आबा साहब इस फिल्म में मैंने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है, गणपतराव देशमुख जो है उनकी वाइफ का रोल मैंने प्ले किया, और बहुत एक्साइटेड है, हम सभी टीम मेंबर्स बहुत एक्साइटेड। शूट के दौरान कोई अपनी यादें कुछ शेयर करना चाहेंगे, क्या कुछ कठिन? शूट के दौरान हमने बहुत ही मजा किया, सब मिलजुल के काम कर रहे थे, तो बहुत एंजॉय किया, सब कुछ अभी याद नहीं आ रहा लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया। ओके, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे शूटिंग के दौरान कुछ हुआ, सैराट वाली बातें, अगर सैराट की बातें करें या इसमें कुछ एंजॉय किया हुआ आपने इस फिल्म के दौरान? सैराट फिल्म को अभी तो 7 साल हो गए, तो मैं सब बोल ही रहा हूँ। और ये फिल्म में हम लोग क्या करते थे, सर का फोन उनकी गाड़ी को कनेक्ट था और हम लोग ना गाड़ी में बैठे हुए थे सबके, और सर के जो EP है अमजद भाई, तो मैं क्या करता था स्क्रीन पे, जो जब उन सब उनके कांटेक्ट दिख रहे थे मुझे, तो मैं उनको कॉल करता था और अलग अलग लेडीज की आवाज में बात करता था और उनको तकलीफ देता था। आपको शेयर करना चाहिए तो शूटिंग के दौरान की बात है, ऐसे है तो शूटिंग का, देखो शूटिंग है बोले तो बहुत बड़ा यूनिट है, आगे पीछे होते रहता है, कोई आर्टिस्ट ने हमको तकलीफ नहीं दिया, मगर जब हम एक शूटिंग कर रहे थे तो कुछ सडनली ऐसा होगा कि सुरेश विश्वकर्मा सर,
जो सैराट में जो निगेटिव कैरेक्टर किया है उन्होंने हमारे फिल्म में निगेटिव कैरेक्टर किया है, जो शाहजी बापू का कैरेक्टर किया है उनका कॉस्ट्यूम गलती से कॉस्ट्यूम वाले से कॉस्ट्यूम का थोड़ा साइज कम आया था, तो हमारे सेट पे टेलर मास्टर ऑलरेडी रहता था क्योंकि शूट का यूनिट लगने वाला था आगे, टेक रेडी था और वो आर्टिस्ट को कॉस्ट्यूम ही नहीं था, तो जो हमारे टेलर है तो मैंने खुद ने मशीन पे बैठ के वो कपड़ा स्टिच करके वो आर्टिस्ट को दे दिया क्योंकि मेरे को काम आता था इसके लिए, और वो 20 मिनट में मैंने बना के दे दिया और हमारा शूट कंप्लीट हो गया। और उसी दौरान जब शूट करके मैं बाहर आया वहां से वो कपड़ा शर्ट बना के, और उतने में स्लैब पड़ा ऊपर का जो स्लैब जहाँ पे हमारा टेलर काम करता था ना वहाँ पे स्लैब पड़ा और उसके सर को चोट लगी। ये एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे फिल्म में। इस पिक्चर में कितने गाने हैं? ब्रीफ करना चाहेंगे हमारे दोस्तों। हाँ, ये फिल्म जो है सोलापुर जिले में सांगोला और सांगोला के आसपास, क्योंकि फिल्म की जर्नी बहुत बड़ी है क्योंकि फिल्म में 100 सीन 100 लोकेशन और 100 मेकअप कंटिन्यूटी थी, क्योंकि वो जो व्यक्तिमत्व था बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है, क्योंकि उनके 1925 से लेके यानी कि 1925 से लेके अभी तक यानी कि 94 ईयर की जर्नी फिल्म में हमको जनरेट करना था, इसके लिए हर बार लोकेशन अलग था, हर बार मेकअप कंटिन्यूटी अलग थी, ये हमारे लिए चैलेंजिंग काम था। साहब ये बताइए कि ये जो गणपत राव देशमुख जी हैं, ठीक है पॉलिटिकल लोग तो ठीक से जानते हैं, हाँ, क्या संदेश समाज को कोई संदेश देके उतरे, इसलिए कि वो तो शेखाप वगैरह से जुड़े हुए, हाँ, इसलिए कि शेखाप का तो यहाँ रोल भी नहीं, लोग हाँ, जानते भी नहीं ठीक से कौन सी पार्टी है, हाँ, तो ऐसे में क्या संदेश आप देके देना चाह रहे हैं वो भी इलेक्शन को देखते हुए? वो फिल्म का ये फिल्म से संदेश यही है, हमारी फिल्म की एक टैगलाइन है, टैगलाइन ऐसा है कि एमएलए चेयर पे बैठने के लिए नहीं होता, जो जनता का जनसेवक होता है, ऐसे हमारी फिल्म की टैगलाइन है। तो इससे इससे मतलब यह होता है कि अपन जो नेता चुन रहे वो नेता अपने लायक है क्या नहीं, जो अपने विभाग का विकास कर सकता है क्या नहीं, ऐसा नेता है। जो आजकल के आप नेता देखते हैं कि एक बार नेता होने के बाद में उसका घर बंगलो गाड़ी सब कुछ, वो रिच फैमिली लाइफ जीता है, मगर ये जो गणपत राव देशमुख है 11 बार एमएलए होने के बाद भी उन्होंने रिच रिच फैमिली लाइफ नहीं जी। और इसके बाद जो महाराज गवर्नमेंट, हाँ, तो आपका फिल्म का राशि जाता है, ये एक राशि देवी को जाता है, इससे कुछ सीख पाएंगे वो आपकी पिक्चर देख के? महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारी फिल्म क्या देख के कुछ पैसे या कुछ सीख पाएंगे, कुछ सीख पाएंगे क्या मैसेज देना चाहते हो? वो तो ऑलरेडी महाराष्ट्र की जनता को उसका मैसेज मिलेगा ना, क्या मैसेज ये मिलेगा कि एमएलए जब अपन वोटिंग कर रहे जिस बंदे को वोटिंग कर रहे वो बंदा अपने मोहल्ले का विकास कर सकता है क्या नहीं, ये उसके अंदर से मैसेज मिलेगा ना। इसके अलावा क्या क्या कुछ है आपका पाइपलाइन में, या इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? इसके अलावा आगे आगे फ्यूचर में ना, आगे फ्यूचर में मैं फिल्म लाइन में काम करूंगा, एज अ राइटर और डायरेक्टर बनना सपना मैं बचपन 3री क्लास में मैंने सपना देखा था कि मुझे राइटर और डायरेक्टर बनना है, वो टीचर ने मुझे फेल करा था और मैं आगे पढ़ाई करा और फिर मैं राइटर और डायरेक्टर बन गया। आखिरी में मैं कुछ सर आप जानना चाहता हूँ, चाहे गाने का बहुत सोशल मीडिया पर चलता है जिसमें हाँ, गाना का गाना है रोमांटिक है या हाँ, डांस में है पॉप सॉन्ग में भी करके ऑडियंस देखने की चाहेंगे। इस फिल्म में दो ही गाने हैं, एक जो सॉन्ग है जो गणपत राव देशमुख एमएलए से क्या एमएलए से कैबिनेट मंत्री बने बन गए थे तभी उनका जल्लो सॉन्ग निकला है दमदार आमदार, और जो दूसरा सॉन्ग है जो उनके मराठी कौम के हिसाब से धनगरी ओवी बोलते वो धनगरी ओवी है, और जब हिंदी में हमने डबिंग करा तो ये धनगरी ओवी हमारी वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो गई, और ये फिल्म को फिल्म रिलीज होने से पहले ही 4 इंटरनेशनल अवार्ड है। हम यही कहेंगे कि समाज सेवा करने वाला अगर नेता हमें मिले तो समाज कितने उच्च स्तर पे जा सकता है, और हमें भी उनसे प्रेरणा लेके, नहीं बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते लेकिन थोड़ी बहुत तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और 25 अक्टूबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो यही कि फिल्म देखें और हमारे काम को पसंद करें। आपके सपनों में बॉलीवुड एक्टर आया है कुछ बताया आपको पिक्चर देखने के बाद, आपने कोई पिक्चर देखने के बाद बॉलीवुड या तुम्हारा नेक्स्ट से कोई पिक्चर देखा है स्टार लोग? नहीं अभी तक प्रीमियर हुआ नहीं फिल्म का, नहीं प्लान में है लेकिन अभी हुआ नहीं। लेकिन आपकी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी है जो, हाँ जी 25 को, जो आपके जो इंडियन दोस्त हमारे इंडिया के जो पॉलिटिशियन है
या महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियन है उनकी नहीं 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 फिल्म ये रिलायंस एंटरटेनमेंट रिलीज कर रहा है और ये हिंदी और मराठी वॉइस में वर्ल्ड वाइड रिलीज कर रहा है। ये सांगोरा जिले के ही है तो वो उनसे बहुत इंस्पायर है गणपतराव देशमुख से, उन्होंने बचपन के उनके बचपन से उनके बारे में सुना है तो एक इंस्पिरेशन है कि कितना अच्छा काम किया उन्होंने लोगों के लिए, तो इसीलिए कर रहे हैं। दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, दर्शकों से अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है और आप दोनों से जानना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे, क्यों आए दर्शक इस फिल्म का पार्ट टू बने, क्या यूएसपी क्या है? 25 अक्टूबर 2024 को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है हिंदी और मराठी लैंग्वेज में। दर्शकों को मैं यही अपील करना चाहूँगा, कोई भी पार्टी का लीडर हो या नेता हो या वो पार्टी का बंदा हो, चाहने वाला हो, सभी पार्टी का बंदा ये फिल्म देखना देखना चाहिए, उसने देखना चाहिए, क्योंकि अपन जो जिस लीडर को वोट कर रहे वो वोट अपना सही जगह पे जाता है क्या नहीं, इसकी शिक्षा इस फिल्म से मिलने वाली है। नहीं, क्योंकि वो जो बंदा था क्लीन क्लीन वर्क था वो बंदे का, उसने उनके लाइफ में कभी करप्शन नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी खुद की फोर व्हीलर भी नहीं है, उन जनता ने पैसा इकट्ठा करके चंदा निकाल के उनको फोर व्हीलर दिया था जब वो कैबिनेट मंत्री बने थे, और उन्होंने कभी कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी नहीं लिए और प्राइवेट सिक्योरिटी भी नहीं लिए, क्योंकि वो बंदा बस से और ट्रेन से सफर करता था। मेरा नाम अमजद खान शेख है, कर्मयोगी आवास से। मेरा नाम अमजद खान शेख है, मैं इस फिल्म का एपी हूँ और मेरे को ये इस बात का कहना है कि इस फिल्म में हमने 292 बाइट लिए लोगों की और इतना 1.5 साल इसके अंदर गया है हमारा पूरा फिल्म के अंदर, तो कुछ बाइट लेते होते हैं ना ऐसे यादें उनके सामने आए ना, बहुत बहुत यादें लोगों ने शेयर किया हमारे साथ में। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी MLA अभी चुनाव तो है फिलहाल, तो हमारे 25 तारीख को पीछे फिल्म रिलीज हो रही है, तो मेरे को कहना ये कि सब लोगों ने इस फिल्म को देखना, देखने के बाद समझ में आएगा हम MLA कैसे चुनेंगे। इस मैं जनता से आप लिए नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था हमारा सर, हाँ नहीं। नमस्कार, मैं आली शेख हूँ और इस फिल्म में जो आबा साहेब है हमारे, उनके पोते का किरदार जो अरबाज भाई ने किया है हमारे, तो उनका मैं फ्रेंड का किरदार किया है, तो जब वो पढ़ने के लिए कोलकाता में थे मेडिकल कॉलेज के लिए, तो वो उधर का फ्रेंड सर्कल का हमारा मेरा किरदार है, और जब वो पढ़ने के लिए थे कोविड में तो उधर एक साइक्लोन आया था कोलकाता में, आपने सुना होगा, तो उस साइक्लोन में भी लोग कुछ बहुत सारे जख्मी हुए थे, तो उधर भी महाराष्ट्र के बाहर भी आबा साहेब ने उनको गाइडेंस किया था कि लोगों को मदद कैसा करना है, उनका हेल्प कैसा करना है, तो उधर वो भी हमने उसमें दिखाया है। और जिस मतदान से ये MLA आते थे मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, बचपन से मैंने उनको देखा है काम करते हुए, किस तरह से जन सेवा की है या समाज सेवा की है वो देखा है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि इनके जिंदगी के ऊपर कुछ ना कुछ बने, और वो तो बन गया और उसका हिस्सा भी मैं बन गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छी फिल्म है। मैं अपील करूंगा कि सब लोग देखें और एंजॉय करें और उसी से कुछ सीख लें। जो अपने रोल मॉडल होते हैं उन्हीं के ऊपर बायोपिक फिल्म बन रही, उसमें अपने को काम करने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह अलग एक्सपीरियंस तो रहेगा सर, क्योंकि उनको बचपन से देखते आ रहे हो, वो तो रोल मॉडल है ही मेरे, तो अलग एक्सपीरियंस है। इस बात का है कि उस उनकी पूरी जो जर्नी है, उनका जो किरदार है पूरे दुनिया देख रही है, और वो उसके माध्यम से हम भी दुनिया के सामने आ रहे हैं, ये तो खुशी की बात है और इसके लिए अच्छे। तो हम लोग तो जनता को मैसेज दे रहे हैं, इसमें राजनीति का कुछ हिस्सा नहीं है फिल्म में, हमने उनका समाज कारण जो है वो दिखाया है, राजनीति का कुछ दिखाया नहीं। मैडम आपने आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपका किरदार क्या है इसमें, और काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे कि आपका नंबर आ गया। नहीं कोई बात नहीं, नमस्ते।
मेरा नाम उर्मिला डांगे है। तो ऑल महाराष्ट्र में जो एसटी का ऐड हुआ, निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान जो पोस्टर लगा हुआ था, तो वो बुद्धि में है। और जो जिसमें मैंने मोदी जी और एकनाथ शिंदे जी को मेरे बच्चे बोला है। और अभी संघर्ष योद्धा जो आया जरांगे पाटिल का, तो जरांगे पाटिल का माँ का रोल मैंने किया है। तो इस कर्मयोगी आबा साहब ने इतने बड़े आदरणीय नेता के मूवी में मुझे अल्ताफ सर जी ने कास्टिंग किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी। इसमें मैंने माई का रोल किया है जो राजारानी फिल्म है, तो आपके पास बात कर रहे हैं संघर्ष होता। तो अभी मेरा किरदार माई का है जो अमदार गांव में आते हैं पूरे क्राउड के साथ, और उनका मैं ऑक्शन करती हूँ। अच्छा। बहुत खुशी होती है कि सच में नहीं लेकिन किरदार में तो मैंने उसका ऑक्शन किया। हाँ, तो ये मूवी 25 तारीख को ऑल वर्ल्ड में हिंदी और मराठी में रिलीज हो रही है। तो आप सभी जाके, नेता कैसा होना चाहिए हम किस पे जोर नहीं कर सकते, और वोटिंग इलेक्शन का इस पे कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने नेता का जो किरदार था उन्हें कैसे बने वही दिखाया है, वो आप जाके देखिए। मैम इसमें बहुत जोशी भी है, राजनीति सीनियर एक्टर है इसमें, काफी सीनियर, काफी हिंदी मराठी और लैंग्वेज में किया है, इतनी बड़ी महान कलाकार के साथ आप लोग काम, किस तरह बॉन्डिंग था आप लोगों के साथ, किस तरह बॉन्डिंग था आपके साथ, मोहन जोशी के साथ है, राजनीति डायरेक्टर है। हाँ मैं बहुत अच्छा, मोहन जोशी के साथ मैंने संघर्ष योद्धा में उनके बीवी का रोल किया है, और कर्मयोगी में हार्दिक जोशी, अनिकेत विश्वासराव जो आबा साहब बने हुए, और जो छोटा बुढ़ारी जो बिग बॉस में भी थे घनश्याम जी, अनिल नगरकर, आदित्य मराठे, इनके साथ मेरा सीन है। बायोपिक है तो सबको छोटा छोटा किरदार है, बट इम्प्रेसिव किरदार, बहुत अच्छा लगा। कर्मयोगी आबा साहब में उनका किरदार नहीं है, नहीं संघर्ष योद्धा में प्रदीप वेलणकर का, वेलणकर सर, हां सर का वेलणकर सर, वेलणकर सर, प्रदीप वेलणकर सर, क्या किस तरह का लोग आपको नाम सुनिए ना बोला कि अच्छे टाइटल आपको नाम किसे सोचा हो 11 साल तो 11 बार तो आमदार हो गए थे एमएलए, तो सर ने बैठ लेने के बाद में बैठ के सर ने डिसाइड कर दिया कि कर्मयोगी उनका महान काम है, इसके लिए तो सर बोले कि कर्मयोगी आबा साहेब नाम डालना ही है। मैं अभिनेत्री उर्मिला डांगे। थैंक यू सो मच। बड़ा बड़ा।